अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम सिट्रिजिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम चार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले टॉपिक में हम सिट्रिजिन टैबलेट की बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इसको किन किन प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, फिर हम इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे कि इसको किस उम्र के लोग कितनी एमजी में ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सिट्रिजिन टैबलेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह टैबलेट डॉक्टर रेड्डी कंपनी की है। यह पहले 10 गोली की पैकिंग में आया करती थी, जो कि इसकी MRP 18 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब यह टैबलेट 15 गोली की पैकिंग में आने लगी है, जिसकी MRP 27 रुपये हो गई है। यह टैबलेट का नाम सिट्रिजिन है, जबकि इसके अंदर फॉर्मुलेशन सिट्रिजिन पड़ा हुआ है। यह टैबलेट मार्केट में आपको कई नामों से मिल जाएगी, जैसे कि फिटीजेट, एलरेड, FZ3, बाकी कई नामों से मिल जाएगी। आप इसका फॉर्मुलेशन देख लें जिसमें सिट्रिजिन पड़ा हो, आप वह टैबलेट ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सिट्रिजिन टैबलेट वैसे कई प्रॉब्लमों में दी जाती है। यह एक एलर्जी ख़त्म करने वाली टैबलेट होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी है तो उसको यह टैबलेट ख़त्म करती है। जैसे कि अगर हमको जुकाम है, खांसी है, छींक आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, नाक में सूखापन लग रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में यह टैबलेट दी जाती है। अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, जिसके रिंगने की वजह से आपको एलर्जी हो गई है, तो उस केस में ये दी जाती है। मौसम बदलने के कारण हुई एलर्जी में भी ये दी जाती है। शरीर में छोटे छोटे चकत्ते या दाने पड़ने लगते हैं, तो उस केस में भी यह टैबलेट दी जाती है। इस टैबलेट के काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं। जनरली इस टैबलेट का यूज उस समय भी किया जाता है जब हमें किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तब यानी जब हमें किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो उस केस में भी यही मेडिसिन चलती है, जो कि वह एलर्जी को ख़त्म कर पाती है। तभी डॉक्टर अपने द्वारा दी गई दवाइयों में यह टैबलेट ज़रूर लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे आपको कोई नुकसान ना हो। चलिए हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। एडल्ट ग्रुप के लोग इसको 10 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। 10 mg की टैबलेट होती है, दिन में एक बार रात में ले सकते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि इस टैबलेट को खाने से हल्की फुल्की नींद आ सकती है। एडल्ट ग्रुप के लोग इसको 10 mg ले सकते हैं, बाकी 15 साल से अगर छोटे हैं आप तो आप 5 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। और बच्चों के लिए सिट्रिजिन टैबलेट नहीं, उसके लिए सिरप आता है, जो कि आप 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसके जनरली होते नहीं हैं, क्योंकि ये एक साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करती है मेडिसिन। बहुत ही रेयर केस में इसके साइड इफ़ेक्ट क्या, अगर आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है, तो इसके कोई खास इतने साइड इफ़ेक्ट है नहीं। ध्यान रखें, प्रेग्नेंट लेडी ये टैबलेट ना लें, अपने डॉक्टर से कंफर्ट करने के बाद ही लें, और ड्रिंक करने के बाद यह टैबलेट ना लें। बाकी इन ये टैबलेट खाने के बाद आप कोई मशीनरी वर्क या फिर ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इस टैबलेट को खाने के बाद आपको हल्की फुल्की सुस्ती आ सकती है। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको सिट्रिजिन टैबलेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, जो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।